तेरा हो भला और बेवफा, इससे पहले कि आप समझते कि मैं भी बेवफा हूँ और बिन बताए चला गया हूँ। ऐसा हो नहीं सकता, ना ही मैं कभी ऐसा होने दूंगा। एक्चुअली द कॉल वॉज सपोज्ड टू बी फॉर 1 आवर, तो 1 घंटा कैसे गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। सो दैट्स वाई आई जस्ट गॉट लॉक्ड आउट एंड नाउ आई एम लॉक्ड इन। एंड ये जो थोड़ा सा टाइम स्पैन है हमारे पास जियो, हरपल जियो के प्लेटफॉर्म से लाइव आज हम एक दूसरे के साथ हैं, मैं चाहता हूँ कि वी मेक द मैक्सिमम मेमोरीज आउट ऑफ इट, कि हमें याद रहे हमारी ये मुलाकात और हमारी हर बात, और जितना प्यार हम एक दूसरे को दे सकते हैं, वी कैन स्प्रेड लव, पीस एंड पॉजिटिविटी टुवर्ड्स ईच अदर, बिकॉज मुनाफिक गोना रिमेन इन माई हार्ट फॉर एवर एंड एवर, बिकॉज ये मेरा वो प्रोजेक्ट है जिससे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना फीडबैक आज से पहले कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया। सो आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू ऑल, आई डोंट नो हाउ टू थैंक ऑल माई टी, बट स्टिल थैंक यू फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। और पता है मैं बड़ा ना सेंसिटिव इंसान हूँ। शुरू में ना कुछ ऐसी पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ। मैंने असद भाई को कॉल भी कर दी कि यार असद भाई ये उनसे, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, एज आई टोल्ड यू कि बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने ऑलवेज लिसन टू मी। तो बाद में फिर उन्हें भी अंदाज़ा होगा कि भाई ये कुरेशी बड़ा जज्बाती है, बट वही कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल इफ एंड इज़ वेल। सो एट द एंड आई एम मोर देन हैप्पी विद द ग्रेट फीडबैक एंड रिस्पॉन्स एंड द लव, और इट्स अ विन विन सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह। सो ऑलवेज थैंक अल्लाह फॉर एवरीथिंग, बिकॉज अगर आप जीत जाते हैं तो ज़बरदस्त, और अगर आप नहीं जीतते तो कोई और जीतता है तो वो भी ज़बरदस्त है, क्योंकि किसी ना किसी ने जीतना है और किसी ना किसी ने हारना है। तो मैं अपने बेटे को भी ना उसकी तरबियत में उसको हारना सिखा रहा हूँ। जीतना तो सब सिखाते हैं, मैं अपने बेटे को हारना सिखा रहा हूँ कि जब हार जाते हैं तो वट टू रिएक्ट एंड हाउ टू रिएक्ट एंड कैसा फील करना चाहिए। सो दैट्स वट वी शुड लर्न इन आर रियल प्रैक्टिकल लाइफ, के जो हारते हैं वो हारते नहीं हैं, वो भी जीतते हैं अगर वो अपनी हार को भी पॉजिटिवली लें। कोई बात नहीं, जिंदगी कभी जीत है कभी हार है, कभी प्यार है तो कभी बुखार है, तो कभी हफ्ता है तो कभी इतवार है। ठीक है ना? तो यार आई नो कल से आप लोग बहुत मिस करेंगे ना, परसों से, कल लास्ट एपिसोड है मुनाफे की 7 बजे, परसों से, परसों 7 बजे क्या करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, मुझे एक और बड़ा फीडबैक आया है मेरा पर्सनली भी, कि एदिल तू बता वॉज नॉट प्रॉपरली ऑन यूट्यूब, तो आई एम गोना पर्सनली रिक्वेस्ट अब्दुल्ला भाई, असद भाई एंड जियो कि अगर वो एदिल तू बता को प्रॉपरली यूट्यूब पे ऑन एयर कर दें, ताकि जितने भी लोगों से मिस हो गया है वो देख सकें। और एदिल तू बता अगेन इज़ एज प्रीशियस, एज स्पेशल, एज लवेबल फॉर मी एज मुनाफिक इज़। तो इंशाल्लाह मैं भी खुद भी रिक्वेस्ट करूँगा, तो इंशाल्लाह वो जो है यूट्यूब पे आप देख पाएंगे एदिल तो बता। और लेट्स सी इफ वी कैन ट्राई टू पुट इट ऑन जियो, अगर जियो वाले अगर मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, तो जी मेरे बड़े चाहने वालों की ये रिक्वेस्ट है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एदिल तो बता एक मरतब फिर से एयर करें आफ्टर मुनाफिक। ठीक है जी, चलिए जी, ये मैंने वादा किया था अपने फैन से कि मैं जियो वालों से कहूँगा, तो मैंने लाइव ही कह दिया सबके सामने ताकि उनको यकीन आ जाए कि मैंने वाकई कहा है। तो ठीक है जी, बहुत ख़तरनाक बंदा है अब, ठीक है ड्रामा। आई एम नॉट खतरनाक, आई जस्ट हैव ओनली वन नाक। अच्छा जी, अच्छा पता, आप लाइव आ जाएं करें रोज 7 बजे। चलो मैं जियो वालों से कोई डील करता हूँ कि जी रोज 7 बजे आप मुनाफिक तो अब एंड हो रहा है तो आप मुझे ले आया करें। चलो मैं कोशिश करूँगा अपने पर्सनल पेज पे आता रहा करूँ। अगर हमजा ना होता तो हिट ना होता, ऐसे नहीं कहते हमजा ना होता तो हिट ना होता, इसने हिट होना था, आपने इसको हिट करना था। एवरी कैरेक्टर, एवरी एक्टर प्लेड द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, सबने बहुत अच्छा काम किया। बट अगेन कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर, मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ, मुझे उनकी, हमारे पर्सनल कुछ आर्गूमेंट्स, कुछ अख्तलाफात, कुछ चीज़ें, आई मीन सीन्स को लेकर, कैरेक्टर को लेके होती रहती थी कि ऐसे नहीं ऐसे, कभी वो मुझे कन्विंस कर लेते थे कभी मैं उन्हें कन्विंस कर लेता था, तो हमारा वो एक टॉम एंड जेरी वाला रहता था। लेकिन वन थिंग विच आई अप्रिशिएट अबाउट हिम एंड आई विल ऑलवेज, कि वो
बहुत मेहनती आदमी है, उसने कभी किसी छोटे सीन को ऐसे नहीं जाने दिया, वो छोटे सीन को भी बड़ा बनाने की कोशिश करता था। तो इसलिए यही मेरा हमेशा से राय है कि कोई सीन भी छोटा नहीं होता, हर सीन जो है आपने उसमें जान डालनी है, उसको बड़ा बनाना है। अच्छा जी, से माई सिस्टर्स नेम गुलनूर। अच्छा जी, तेरा हो भला हो बेवफा, ये भी ठीक, मुनाफिक की जगह आप लाइव आ जाए लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर देते हैं 7 से 8 है, ये भी कमाल है वैसे। अच्छा, डेंजरस स्माइल वो ये होती थी जो मैं यूं करता था ना, वैसे तो मैं बहुत मासूम हूँ मैंने दोनों शेड्स दिए हैं आपको, प्रोनाउंस माय नेम। अच्छा, तो दोनों शेड्स आपको दिए हैं स्माइल के, एवरी एक्सप्रेशन हैज द ओन फ्लेवर। अच्छा जी, से वन वर्ड फॉर अरमान। अरमान गोना बी ऑन लाइव टुमारो एट 5, आप उससे भी बात कर सकेंगे, उससे भी चिट चैट कर सकेंगे, उससे भी इंटरेक्ट कर सकेंगे। या सो ये जियो ने बहुत अच्छा एहतमाम किया है, एप्पल जियो लाइव ने लाइव सेशन करके। उजाला इतना रो क्यों रही है उजाला रोई है तो ड्रामा हिट हुआ है ना भाईजान। अच्छा अच्छा जी, हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो। अच्छा जी, और मैं आपको मुनाफिक के बारे में कुछ अगर बताना चाहूँ तो ये कि अरे मैंने वो जैन का नाम नहीं लिया, लाइन प्रोड्यूसर जो था हमारा, राफिल का नाम नहीं लिया जो वार्डरोब पर था, और मैंने किसका नाम नहीं लिया, और मैंने किसका नाम नहीं लिया, और अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया अपनी टीम में से तो उन सबको भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, लव एंड प्रेयर्स ऑल द वे फ्रॉम लंदन, खलील उस्मा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। लंदन में भी सबको बहुत प्यार सलाम दुआ दीजिएगा, और प्यार जहाँ से भी आए जितना भी आए हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है आपका गुस्सा हा 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 है ना, अब मेरे गुस्से पे मेरा भी हंसा ही निकल जाता है तो ऐसे ही है। अदील चौधरी के साथ काम करके कैसा लगा यार? इट्स ओके, ना हम दोस्त हैं ना हम दुश्मन हैं, वी वर जस्ट कोलीग। और अब जैसे होता है ना, किसी भी आप स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो एक क्लासरूम में होते हैं, तो लाजमी नहीं कि सबके साथ आपकी वाइब्स मिलें और आप दोस्त बन जाएं, ना भी बने तब भी आपको एक ही क्लासरूम में बैठना है। तो या देर इज़ नो लव रिलेशन, देर इज़ नो हेट रिलेशन, इट वॉज एन एवरेज। सो या अच्छा जी, वैसे बहुत सुना चुका हूँ मैं, ये ना हो कि आप लोग कहेंगे भाई अब बस कर दो, क्योंकि आई सैंग इट लाइक ट्वाइस और थ्राइस। वॉचिंग फ्रॉम नेपाल, वी वाह, हाँ नेपाल से भी मुझे बहुत फीडबैक आया था। आरिफ वाला से फरहान, अच्छा अच्छी एदिल तो बता का वो एस टी सुनाए फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया है। आर यू लिसनिंग FM जियो हर्बल लाइव, अब क्या FM पे कॉल कर रहे हैं कि आपको मैं गाने सुनाऊँ। वैसे मुनाफिक का वो एस टी बहुत मजे का था ना वो, अब जिए हम किसके सहारे ए दिल तू बता, है ना, आई लव इट। इसका मैंने बल्कि एक याद भी किया था, मैंने थोड़ा सा उसको लिपसिंग करना था, मिल के मिलना छोड़ देना है ये कैसी मोहब्बत, दिल लगाना तोड़ देना कैसी ना, क्यों है डूबे पहुंच किनारे है दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे है दिल तू बता, हमने मोहब्बत दिल से की थी जिसने चाहा दिल को तोड़ा, दर दिल आई लव दैट। अच्छा वो सेवन स्काई का एक और प्रोजेक्ट मैंने किया था मेरे जीने की वजह, उसका OST भी जरूर सुनिएगा, सायर अली बग्गा ने गाया कंपोज किया, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था मेरे जीने की वजह का, वो मेरा फेवरेट है। अच्छा जी, लेकिन क्योंकि वो जियो पे नहीं चला तो इसलिए इतना हिट नहीं हुआ, तो जियो जियो है जी, तो क्या बात है जियो की। तो और थम्स अप टू एवरी वन ऑफ यू, जो मुझे ठेंगा दिखाता है मैं उसको भी ठेंगा दिखाता हूँ, इट्स अ ग्रेट जेस्चर। आप जियो पे कोई नया ड्रामा करेंगे क्या? बिल्कुल जी, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी सेवंस का एंटरटेनमेंट के साथ है, एंड इट विल कम ऑन एयर ऑन जियो इंशाल्लाह। मुश्ताक सिद्दीक, सो विच शेड ऑफ हमजा इज योर फेवरेट? यार बिकॉज इन रियल लाइफ आई ट्राई टू बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो मैं हूँ, नेगेटिव मैं नहीं हूँ, तो इसलिए नेगेटिव वाला मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया, उसमें मुझे ज़रा ओवर एक्टिंग करने का मार्जिन मिला ना। रियल में तो ये कि मैं ज़रा कंपोज्ड, काम, फूल,
यू नो अंडरटोन रहा हूँ, तो उसमें ज़रा लाउड था तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसको इन्जॉय किया। या जियो पे चला दें या दिल तू बता जी। अच्छा, जियो वाले सुन रहे हैं, वो आपके मैसेज भी देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो वो चला देंगे या दिल तू बता इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो व्हाट्सअप, बड़ा मुश्किल काम है ये जो मैं। अच्छा जी, वैसे क्वारंटीन टाइम में ना सोशल डिस्टेंसिंग तो हमें मेंटेन करना था, लेकिन ये सोशल जो हमारी क्लोजनेस हुई है ना सोशल मीडिया के थ्रू, वो बड़ी एक यादगार है। देखिए वही बात आ गई कि वक्त गुजर ही जाता है, अच्छा हो या बुरा, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। याद सिर्फ ये रह जाता है कि बुरे वक्त में कौन अच्छा था और अच्छे वक्त में कौन बुरा था। मेरी बात को याद रखें और गौर करें इस पर कि वक्त गुजर जाता है, जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, लेकिन ये हमेशा याद रह जाता है कि अच्छे वक्त में कौन बुरा था और बुरे वक्त में कौन अच्छा था। सो इसलिए ट्राई टू बी गुड ह्यूमन, सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, सबके लिए अच्छा फील करें। और प्रैक्टिकली अगर कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं, दुआ करना तो बड़ा आसान काम है, ये तो लाइक नो कोई इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। सबके लिए दुआ करें, सबके लिए अच्छा अच्छा पॉजिटिव, यू विल फील गुड अबाउट इट। सो देखें ना, वही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये जो सोशल मीडिया की हमारी एक क्लोजनेस हुई है, इसका ये देखें ना, इट्स अ प्लस। वी विल ऑलवेज चेरिश दीज मोमेंट्स, क्योंकि आफ्टर दैट वी ऑल विल गेट बिजी इन आर वेल रूटीन लाइफ, जो रेगुलर है, कहाँ टाइम मिलेगा। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। मरीना खान के साथ काम करके कैसा लगा, लेट मी टेल यू। जब मुझे पूरी कास्ट के बारे में बताया गया और जब मुझे बताया गया कि मरीना खान है इसमें, आई गॉट वेरी एक्साइटेड। और बिकॉज आई विल ऑलवेज कीप यू इन माई प्रेयर्स, थैंक यू। अच्छा, तो फिर वो जो मुझे जो पता चला, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और जब मैं मरीना खान जी से फर्स्ट टाइम मिला, उन्हें देखा रियल में और काम किया, तो आई फाउंड हर उतनी ही क्यूट है वो रियल में जितनी कि वो तन्हाइयां में थी। शी इज़ अडोरेबल, आई मीन क्यूटी 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 पाई। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे उनके साथ ज़्यादा सीन्स नहीं है, बहुत कम सीन्स थे हमारे हमजा के और सबिया बेगम के। सो आई विश कि मैं फिर से उनके साथ काम कर सकूं और मुझे उनके साथ ज़्यादा सीन्स करने के मौके मिले, क्योंकि शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर। उनसे मैंने ये थोड़ा सीखा है एज माई सीनियर, बहुत नेचुरल वो करती हैं। सो मैं उनको बल्कि कहता था, यार आप लोग इतना नेचुरल कैसे कर लेते हैं, लाइक आई विश कि मैं भी इतना नेचुरल करूँ। तो खैर, वो एक बड़ी डिस्कशन है कि सीनियर्स बताते हैं कि जी पीटीवी के दौर में, क्योंकि दो दो तीन तीन कैमरे होते थे तो इट वाज इजी, वो एक ही गो में सीन होता था, किसी ने क्लोज कैप्चर किया, किसी ने टू शॉट, किसी ने मास्टर, तो वो नेचुरल फील आ जाती थी। हमारे यहाँ पता क्या होता है, थोड़ा मैकेनिकल इसलिए हो गया क्योंकि एक कैमरा होता है वन टेक, आपका पहले मास्टर शॉट होता है, फिर टू शॉट होता है, फिर सोलो होता है। सो वी हैव टू डू एवरी सीन लाइक 4 से 5 दफ़ा हमें करना पड़ता है डिफरेंट एंगल से। तो वो फिर कहीं हम बहुत अच्छा पिच दे जाते हैं, कहीं पे थोड़ा रह जाता है, तो यू नो इट्स लाइक दैट। लव फ्रॉम चिश्तियाँ, थैंक यू रजीन, हम आएंगे ऑन कश्तियाँ। शेर शायरी का बड़ा शौक है मुझे इस तरह से। अच्छा, तो वो फिर मरीना खान जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, शी इज एडोरेबल लेडी, आई मीन वाओ। Did you like ending of Munafiq? Yeah, I loved it. I loved the beginning. I loved the ending. I loved the project all over. And it's an amazing project. And you all gonna love it. I assure you. अच्छा, आपने हमजा का कैरेक्टर क्या सोच कर किया? आपको क्या अच्छा लगा उस कैरेक्टर में? यार मैंने हमजा का कैरेक्टर सोच समझे बगैर किया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसा था कि जब मुझे कॉल आई थी एंड ही वांटेड मी टू डू दिस कैरेक्टर, सो आई हैड दैट ब्लाइंड ट्रस्ट इन हिम। मुझे ये उन पर यकीन था, फेथ था कि वो मुझे जिस कैरेक्टर के लिए भी कॉल कर रहे हैं, इट गोना बी अ गुड वन। तो फिर मैंने बस राइटर से एक मतलब वैसे ही डिस्कस मैसेजेस में किया, उसने कहा हमजा इज द स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर ऑफ द सीरियल। सो या सो बस फिर वो ऊपर से फिर हमने मेहनत डायरेक्टर ने बहुत की, तो इसलिए इट केम आउट सो वेल। एंड आपकी शादी होगी? ओए उजाला, तो लोग पूछो जाके मेरी शादी होगी कि नहीं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, हिफ्जा कह रही प्यार होता है दीवाना सनम। कोरिया से भी हमें कमेंट आया जी, एवरीवन इन कोरिया स्टे सेफ, लव टू ऑल। अच्छा जी, बोलो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी को कहूंगी नहीं। ये क्या है, दिल में है जो छुपा कर बोलो?
दिल में जो है वो छुपा है. मैं आई एम अ वेरी ओपन अबाउट माई एक्सप्रेशन. मैं जो भी बोलता हूँ मैं वही बात है ना कि इन रियल लाइफ आई कैन बी एनीथिंग बट कैन नॉट बी मुनाफिक. मेरा वो नहीं हो सकता कि दिल में कुछ और जुबान पे कुछ. सो या ये एक मेरी सबसे बड़ी मेरा प्लस भी है और मेरा माइनस भी है. क्योंकि इस वजह से कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है, बहुत से लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं. प्रोफेशनली मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जो फील करता हूँ वो कह देता हूँ. बहुत कम लोग होते हैं जैसे मेरे प्रोड्यूसर असद कुरैशी हैं जो मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हैं और यू नो वो समझते हैं. अदरवाइज बहुत से लोग हो जाते हैं, अगर उनसे आप किसी बात पे भी कोई ऐसी बात कर दें जो आपके दिल में है तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि यार ये क्यों. सो मेरे लिए मेरे करियर में बहुत मेरा ये प्लस तो ये मेरा पर्सनल है कि मैं जो दिल में है वही ज़ुबान पर, लेकिन प्रोफेशनली वाइज ये मेरा बड़ा नेगेटिव रहा है. बड़ा मुझे नुकसान उठाना पड़ा अपने करियर में. मैं आज शायद इससे भी ज़्यादा कहीं पहुँचा होता अगर मैं थोड़ी मुनाफ़त कर लेता. लेकिन क्योंकि आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं है. इज़्ज़त नफ्स मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. दैट्स माई नेचर. आप क्या कह सकता हूँ, है ऐसा तो है. सिंगर बन जाऊँ, एक्टिंग तो कर लूँ पहले, सिंगर बन जाऊँ. हाय विल लव फ्रॉम दुबई. हाय जी, दुबई दुबई भी आना यार बड़े. आई रियली वांट टू गो. मैं आज तक दुबई नहीं गया, आपको पता है मज़े की बात. नो आई मीन गया हूँ, आई मीन बैंकॉक गया था तो, या कहीं और जाता हूँ तो वाया दुबई, लेकिन कभी. लव फ्रॉम अमेरिका चौधरी जाहिद. जाहिद साहब इस्लाम इस्लामाबाद कह रहा हूँ अमेरिका में. सबको बहुत इस्लाम प्यार दीजिएगा. अमेरिका, आई यूज टू लिव इन अमेरिका. आई स्टेड देयर फॉर 4 years एंड आई लव्ड दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज मैं जवान ही हुआ था. आई वॉज I think 18 when I went to States, yeah, then 22 I came back, so great memories. Which scene of Munafiq you will never forget? Yeah, every scene of Munafiq I will never forget. But again, jaise maine kaha ki jo last scene hai, jo climax hai, that's my most favorite that I won't ever forget. So you all have to wait to watch the last episode of Munafiq tomorrow and you will find out which song, scene I'm talking about. Achha, I'm from Balochistan, Turbat. अच्छा महनाज, हाय महनाज, बलूचिस्तान में सबको बहुत सलाम प्यार दुआ. अच्छा जी, लव फ्रॉम लाहौर. लाहौर लाहौर ए सोबिया जी. अच्छा जी, अच्छा जी, शहरीन फ्रॉम यूके. तहरीम और शहरीन, चलें जी यूके. व्हाट्सअप, ये ड्रामा इज़ वेरी नाइस, स्पेशली हमजा शावेज. थैंक यू. नाराज मुश्ताक सिद्दीकी. लड़के नाराज हो जाए मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. नहीं, कोई भी नाराज ना हो मुझसे प्लीज. लव टू इंडिया. थैंक यू. ओके, तो जी ये थी हमारी कहानी जो हमने सुनाई आपको अपनी ज़ुबानी. अब आपने नहीं है किसी को बतानी, इट्स बिटवीन अस, ये हमारी सीक्रेट है. अच्छा, मैं दुबई से हेलो कर रही हूँ, कर रहा हूँ. मैं भी ये कराची से हेलो बैक कर रहा हूँ आपको. ठीक है, ओके. अफ़ान या नूर, ये कैसा सवाल है. दोनों बच्चे बड़े प्यारे थे. अफ़ान के साथ मेरे ज़्यादा सीन नहीं है, आखिरी सीन यानी कि ज़्यादा सीन नहीं है वैसे अफ़ान के साथ मेरे, लेकिन नूर के साथ बहुत ज़्यादा सीन थे. एंड माय फेवरेट को एक्टर्स ऑन द सेट द किड्स. आई जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, जेन्युइनली आई फील कि मेरे जो फेवरेट को एक्टर्स हैं वो बच्चे होते हैं जो सेट्स पर होते हैं. तो नूर जो है उसका असल नाम एंजल है एंड शी इज़ लाइक एन एंजल. वो मेरी भतीजी बनी हुई है और मुझे वाकई उससे बेटियों वाला प्यार है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है. हमने उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी सेट पर. सो माय फेवरेट को एक्टर्स आर द किड्स ऑन द सेट, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बड़े जो होते हैं थोड़े कच्चे होते हैं, तो इसलिए. आपकी मेहनत रंग लाई. जी मेहनत, मैंने जैसे कहा था ना कि किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस हमारी मेहनत और आपकी मोहब्बत, इस कॉम्बिनेशन के बगैर नहीं हो सकती. सो हमारी मेहनत रंग लाई, आपकी मोहब्बत रंग लाई. लास्ट सीन बता दूँ, क्यों बता दूँ, सब थोड़ी बता दूंगा, कल आप देख लीजिए. तेरा हो मैंने, मुझे साइन आया कि आपकी बैटरी जो है ना, मेरा मतलब मोबाइल की, वो थोड़ी टैं टैं करने लगी है, तो मैंने चार्जर लगा लिया. कोई गल नहीं, इन्नी कड़ी गल है. आई होप बिकॉज मैं थोड़ी देर और हूँ आपके साथ, फिर मुनाफिक लगना है 7 बजे, तो 7 बजे हम सब ने नमाज पढ़नी है और उसके बाद मुनाफिक देखना है. तो तब तक जो है हम यहाँ पे गप लगा लेते हैं. एक्चुअली इसलिए आपके साथ मज़ा आ रहा है और जाने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि कल लास्ट एपिसोड है, उसके बाद फिर हम कहाँ आप कहाँ. हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ. हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां.
सुनेंगे सदा जिसे ये जमीन आसमान। कैसा है? अच्छा जी, लव फ्रॉम लाहौर, इंशाल्लाह मेनी मोर टू कम, विशेज आर ऑलवेज, थैंक यू सादिया, इंशाल्लाह मेनी मोर टू कम। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगाज बिस्मिल्लाह से, अंजाम खुदा जाने, अभी तो मच मोर टू कम। यार आप सिंगिंग भी यार सिंगिंग में एक्चुअली आवाज़ ठीक है बट सुर ताल नहीं आते मुझे, तो मैं बस ऐसे ही गुनगुना सकता हूँ, गा नहीं सकता। उसके लिए बड़ा सुर ताल का बड़ा पक्का होना चाहिए, खान साहब होना चाहिए, तो मैं कुरैशी हूँ तो इसलिए समझा करें। आई लव टू सी यू एवरी टाइम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुनाफिक सीज़न 2 बनना चाहिए, मैं अब्दुल्ला भाई और रसद भाई को कहता हूँ बनाते हैं। अच्छा जी, हाय, ये आवाज़ फ्रॉम क्वेटा, क्वेटा तक पहुँची है मेरी आवाज़, वाह वाह वाह, जिंदाबाद यार, ये तो जी प्यार का पैगाम है, जहाँ तक पहुँच जाए अच्छा है, यही मेरा काम है। अच्छा मुनाफिक सीज़न 2, अच्छा चलो ठीक है ठीक है, मैं आई आप लोगों के मैसेज पढ़ रहे हैं जियो वाले, दे विल डेफिनेटली कंसीडर इट, अगर आप लोग चाह रहे हैं ना तो। अच्छा जी, सुहान मेरे दिल में है जी, आप पूछ रहे हैं सुहान क्या है मेरे दिल में। चिश्ती बस्ती से हमें फसीहा ने, आए। अच्छा जी, एवरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल, आई लव एंड आई वॉन्ट कि मैं विजिट करूँ। सुहान थोड़ा बड़ा हो जाए ना, फिर मैंने सोचा हुआ है कि मैं सुहान और उसके मामा हम लोग पूरा पाकिस्तान विजिट करेंगे, छोटे छोटे इलाकों में भी जाएंगे, ऐसे यू नो बैग वैग लटका के एक पूरा, क्योंकि अब मुझे सुहान के बगैर कहीं जाना अच्छा ही नहीं लगता, मैं सेट पे बड़ी मुश्किलों से जाता हूँ उसके बगैर, तो अब ये कि आई एम गोना टेक हिम अलॉन्ग विद मी एंड विजिट ऑल द पाकिस्तान, और अगर मौका मिला तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन आउट ऑफ द कंट्री, वर्ल्ड वाइड भी टूर करेंगे। कैनेडा वैसे मैंने प्लान किया हुआ जाने का नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। की आवाज़ क्या है, हाय अलमास, मज़ा, अच्छा मज़ा आया। कश्मीर, अच्छा जी कश्मीर से भी आवाज़ आई है, मुनाफिक, मुनाफिक 2, अच्छा चलिए ठीक है देखते हैं, विल ट्राई। अच्छा जी, प्लीज़ राइट नाउ से प्लीज़ 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 प्लीज़, ये प्लीज़ प्लीज़ कहता रहूँ मैं, आप इतने प्लीज़ आपने लिखे हैं। अच्छा जी, आई वांट टू हियर नेम स्वीट वॉइस एनी नाम, अच्छा ब्यूटीफुल फैमिली आपकी माशाल्लाह जी, सारी फैमिली होती है ब्यूटीफुल। स्पेन से जी, बार्सिलोना स्पेन से भी हमें मैसेज आया, थैंक यू वेरी मच एवरीवन इन स्पेन, खुश रहें सलामत रहें स्टे सेफ। और अच्छा जी, तो मेरे यारो मेरे प्यारो 6:30 हो गए, 6:45 आई विल बी लीविंग, तो 15 मिनट हैं हमारे पास एक दूसरे के साथ हम गप लगाते हैं। मुझे जियो वालों ने बिल्कुल नहीं कहा, ये मैं खुद से कह रहा हूँ, क्योंकि हमें मुनाफिक देखना है 7 बजे, उसके बाद नमाज भी पढ़नी है, 6:45 आई विल बी लीविंग, एंड आई एम थैंकफुल टू जियो कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों से इतनी इंटरेक्शन मेरी हो रही है आज लाइव। मुझे पता है लास्ट सीन, ये कौन है, आदीज फातिमा, पता है आपको? किसी को बताना नहीं, अगर पता है तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा जी, लाहौरी लड़का हमजा जी, फारूक अहमद साहब, आई एम पक्का लाहौरी, आई एम लाहौरी, बट एक्चुअली मोर ऑफ दैट आई एम पाकिस्तानी। अच्छा, आर यू स्केयर्ड फ्रॉम कोरोना? जी डेफिनेटली मैं डरता हूँ, मैं एक बाप हूँ, एक बेटा हूँ, एक शौहर हूँ, एक भाई हूँ, मेरे पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मैं हर उस चीज़ से डरता हूँ जिससे हमें हमारी जान को ख़तरा है, बिकॉज मुझे पहले मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन जब से सुहान मेरी ज़िंदगी में आया तो मैं डरता हूँ अपने से, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। बल्कि सुहान के लिए मैं हमेशा एक गाना गाता हूँ, वो गाना यार, वो गाना मुझे याद आ गया, याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो सुनाऊंगा। उसके कुछ बोल ऐसे थे कि वो आई डेडिकेट टू सुहान, तुमसे निगाहें चार करने लगे हम जिंदगी से प्यार करने लगे, डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे, आवाज दो हमको हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए, आवाज़ तो हमको। तो ये जी सुहान की आवाज़ के लिए ये डेडिकेशन है, विच आई ऑलवेज सिंग एंड फील फॉर हिम।
थैंक यू तहरीन फॉर लविंग द वॉइस. आई लव एवरी वन ऑफ यू. आई विश कि मैं आप सबकी आवाज़ सुन सकूँ, आप सबको देख सकूँ. इंशाल्लाह कभी हम कोई ऐसा मौका चौका मारेंगे कि हम लाइव सेशन करेंगे जहाँ पे हमारी इंटरेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांगली हो, जहाँ पे हम एक दूसरे को सुन भी सकें, देख भी सकें और हमारी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी इंशाल्लाह. बाकी ये कि मुनाफिक के थ्रू आप लोगों ने जितना भी अपना इजहार मोहब्बत किया, हर सीन, हर एक्सप्रेशन, हर लाइन पे आपने मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो वेरी मच. और मैं कोशिश करूँगा, आई ट्राई टू एंटरटेन यू एंड एक्सप्लेन यू दैट आई लव यू ऑल एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल. मैं अपने हर कैरेक्टर को इतनी मेहनत से करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं अपने हर कैरेक्टर में इतनी मेहनत करता हूँ. सो ये जस्ट एक कैरेक्टर की भी लक होती है कि वो क्लिक हो जाए. तो आप सबका प्यार है और बस और कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक एक्टर के लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, यही उसकी जीत है. सो थैंक यू फॉर मेकिंग हमजा द विनर. अच्छा जी, आप अपने प्राइवेट अकाउंट से आएँ प्लीज़. रात में तो मैं कहीं नहीं जाता, घर पे रहता हूँ. नहीं नहीं वैसे भी चलो मैं प्राइवेट अकाउंट से तो आता हूँ. इन दीज डेज क्वारंटीन में मैं बहुत ज़्यादा आई एम कनेक्टेड टू माई फैंस ऑन एंड ऑफ बाय इंस्टा फेसबुक. यही दो हैं मेरे जहाँ पे मैं ज़्यादा आता हूँ. तो आई एम गोना बी देयर इंशाल्लाह. ये तो पहली मुलाकात है, आखिरी थोड़ी है, अभी तो आगाज़ है, अंजाम थोड़ी है. आई एम प्रेइंग फॉर यू टू. थैंक यू रमीन, जीते रहें. अच्छा उजाला कहाँ है? उजाला अपने घर में है. वो पता नहीं उनका घर कहाँ है, मैं कभी गया नहीं, तो वो अपने घर में है. गॉड ब्लेस यू सर. थैंक यू मलिहा, आप सब बहुत जानू हैं. अच्छा जी, कौन डाय जी? सैलब फैन गर्ल पी के आई विल डाई. नो, डोंट डाई, डोंट क्राई, डोंट डाई. ताहिर, अच्छा प्लीज़ खादिम मुनाफिक का सॉन्ग. मैं बहुत दफ़ा गा चुका हूँ मुनाफिक का सॉन्ग, और मुनाफिक के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया. एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग मुनाफिक यू कैन आस्क. यू हैव जस्ट 10 मोर मिनट्स, आफ्टर दैट आई विल बी लीविंग. सो अगर आप मुनाफिक के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि लास्ट 10 मिनट्स हैं. आई वॉन्ट टू मेक इट मोस्ट ऑफ इट वंस अगेन. अच्छा, मेरे पापा का नाम बिलाल और भाई का नाम हमजा है. वाओ सादिया, कमाल. पापा का नाम बिलाल और भाई का नाम हमजा. मैं तो तुम्हारा फिर सगा फैमिली हूँ ना, सगी फैमिली हूँ ना. दैट्स ग्रेट यार, दैट्स सो क्यूट कोइंसिडेंस. सो जी, हमजा इज लव यू, रियली डिड जस्टिस विद हमजा. आई एम बिग फैन आफ्टर सीइंग यू हमजा. थैंक यू तैयबा. आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट मुनाफिक. जी जी मोहम्मद, जल्दी से पूछ लीजिए मुझसे, मैं जा रहा हूँ फिर. स्टे ब्लेस एंड हैप्पी. रिंशा थैंक यू. मुनाफिक इज़ फैबुलस. अब्दुस्ता थैंक यू. मुनाफिक ड्रामा विल बी एंड. जी टुमारो इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ मुनाफिक. आई लव यू बिलाल, आई लव यू इकरा. ओके जी हरीम, हेलो इस्लाम, गुड टाइम विद यू. थैंक यू जी जावी राजपूत. आई ऑल्सो हैड ग्रेट 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 टाइम एंड आई एम थैंकफुल टू जियो. अच्छा शादी किसके साथ होगी मुनाफिक में? अरमान के साथ. मेरी और अरमान की, हमजा और अरमान की. नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, आई मीन जस्ट चिल. अच्छा जी, मुनाफिक में आप कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है? जी हमजा इज़ माय फेवरेट, हमजा इज़ माय मोस्ट फेवरेट. हमजा के अलावा अगर मुझे कोई मौका मिले कैरेक्टर करने का तो मैं नूर का कैरेक्टर करना चाहूँगी. का पता नहीं, जो भी, हमजा इज़ माय फेवरेट कैरेक्टर. बर्थडे डेट 9th February. आप सब इन्वाइटेड हैं, 9th February को लाइव आऊँगा जब होगी. अच्छा, आर यू अ मैजिशियन? बिकॉज वेन एवर आई लुक एट यू एवरी वन एल्स डिसअपीयर्स. आई लव यू सो मच बाय द वे, इट मेड माई डे. योर दैट प्रीशियस वर्ड्स मेड माई डे. जादू है, नशा है, अल्लाह जाने क्या बला है. लेकिन ये मोहब्बत है आपकी जी, और वो जो कहते हैं ना, दिल की आवाज़ दिल तक पहुँचती है, दिल पर असर करती है. तो मैं दिल से आप लोगों से प्यार करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को उस प्यार को महसूस कर सकते हैं और फील करते हैं. बर्थडे डेट मैंने बता दी जी, 9th February है, और सुहान की 22nd June है, बेगम की 2nd March है. मैंने कहा पूरी फैमिली की बता देता हूँ अगर आपने गिफ्ट भेजने हो. बड़ा सियाना हूँ मैं. अच्छा जी, हमारे वो डायरेक्टर हर बात पे कहते थे काणा नहीं है डायरेक्टर. तो हमने उनका, मैंने तो उनका नाम ही रखा हुआ कि काणे नहीं है डायरेक्टर हमारे, बड़े मेहनती हैं. अच्छा जी, UK से अब्बास अली, थैंक यू. जी 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 जी, इट्स अबाउट मगरिब का टाइम हो गया और आई एम अबाउट टू लीव. जस्ट 6:36 हुए हैं, 6:45 पे आई बी लीविंग, एंड 7 o'clock वी ऑल गोन वॉच मुनाफिक सेकंड लास्ट एपिसोड, एंड टुमारो इट विल बी द लास्ट एपिसोड. लव फ्रॉम इंडिया. थैंक यू सदीम रथ, सदीम रथ. अच्छा, यू आर रियली अमेजिंग ह्यूमन. थैंक यू शमीन. अच्छा जी, वाओ, आपकी 6 March है डॉल. चलो मुझे इन्वाइट करना, मैं गिफ्ट नहीं लाऊंगा, बस केक खाने आऊँगा. ठीक है, अगर डू यू प्ले
PUBG? No, I don't. I only play with Sohan. That's the best game in my life right now. ठीक है जी. मुनाफिक में मुनाफिकों को सबक सिखाओ मेरी मामा के. मामा बहुत सैड है. अच्छा, मामा को कहीं सैड ना हो, क्योंकि हर मुनाफिक जो है उसको ज़िंदगी में ही वो सबक सीख जाता है, उसको समझ आ जाती है कि उसने जो मुनाफिकत की है. तो आप परेशान ना हो. लव फ्रॉम KPK. थैंक यू जी मामा. अच्छा जी, जम्मू कश्मीर से आया, थैंक यू. अच्छा जी, दुनिया ब्लेसिंग मेरी नज़र से. आप इस दुनिया के लिए ब्लेसिंग है मेरी नज़र से. सर, आप सब ब्लेसिंग है इस दुनिया में किसी ना किसी की नज़र से. और मेरे अब्बू का नाम भी नज़र है, तो यकीनन वो मेरे लिए ब्लेसिंग है. अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, उनकी बहुत इज्जत करें, उनकी बहुत कदर करें, क्योंकि जब आप ख़ुद बाप बनते हैं तो आपको पता चलता है कि माँ बाप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या कुछ करते हैं औलाद के लिए. तो मेरा सब यंगस्टर्स, जितने भी लड़के लड़कियाँ मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, अम्मी अबू को एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर जब भी. और मेरे अम्मी अबू लाहौर में, आई मिस देम अ लॉट. साथ रहें, लड़ें झगड़ें जो मर्जी, लेकिन एट द एंड ये प्यार मोहब्बत बॉन्डिंग इज्जत जो है माँ बाप की बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल इन एनी प्रोफेशन इन एनी फील्ड, जस्ट डू दिस. बाकी सबसे प्यार करें, एक दूसरे का ख्याल करें, नेगेटिविटी को ज़िंदगी से हटाएं, पॉजिटिविटी को ज़िंदगी में शामिल करें. कुछ भी बुरा हो जाता है कहें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल. तो वो सब ऑल वेल हो जाता है इंशाल्लाह. ये जो टफ टाइम है, क्रिटिकल टाइम है कोरोना वायरस की वबा की वजह से, अल्लाह ताला सारी दुनिया को इस वबा से महफूज रखे. और बेशक अल्लाह ये ताकत रखता है कि वो इस वबा को ख़त्म कर सके. तो इंशाल्लाह ज़रूर विल ऑल कम आउट ऑफ इट. और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आई डोंट नो आई शुड से और नॉट, बट फिर भी, जैसे पूरे साल में एक रमज़ान का महीना हमें मिलता है 30 दिन, उसमें हम अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं, अपनी हर बुराई को क्विट करके अपनी हर अच्छाई को ऐड इन करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं टू बी अ गुड ह्यूमन, टू बी अ गुड मुस्लिम. तो मुझे लगता है कि इस मरतबा समहाउ वो जो रमज़ान के 30 दिन हैं, हमें बल्कि ज़्यादा दिन मिल गए. क्वारंटीन का भी ये जो टाइम है, इसको भी अगर हम ऐड ऑन कर लें, अभी इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, तो वो ऑल टुगेदर हमें काफ़ी टाइम मिल गया अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, अपनी बुराइयां, खामियां और नेगेटिविटी को निकालने के लिए, और पॉजिटिविटी, अच्छाइयां, नेकियां समेटने के लिए. सो इट कैन बी डन विद योर थॉट, विद योर हैंड्स, विद योर. अच्छा, फिर एक बड़ी मज़े की बात विच आई फील अबाउट दिस क्वारंटीन टाइम, मेरे अल्लाह ने कहा है और बेशक कि मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहे. हम शायद इस बात को भूल गए थे. तो देखें, आज सारी दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि हम अपने हाथ और अपनी ज़ुबान से दूसरों को महफूज रख रहे हैं. पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स नेचुरली हैपेंड कि शायद हम ये बात भूल गए थे, हम इस बात का ख्याल नहीं करते थे, लेकिन अब हमें ये मौका मिला है कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें कि हमारे हाथ और हमारी ज़ुबान से सब महफूज रहें. यही मेरे अल्लाह का हुक्म है और यही सच है, बाकी सब झूठ है. सो मेरी जान, ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन. वंस अगेन आई थैंक ऑल द टीम ऑफ मुनाफिक, जियो एंटरटेनमेंट, सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, अब्दुल्ला भाई, असद भाई, सलीम खान जी, हिना नफीस, हुमा नफीस, मेरी पूरी टीम, एवरी सिंगल पर्सन हु वर्क सो हार्ड फॉर मुनाफिक. ये सारी कामयाबी आप सबके लिए, हमारी मेहनत, आपकी मोहब्बत, एंड वी विन, वी आर द टीम. इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको एंटरटेन कर सकूँ और अच्छे से अच्छे कैरेक्टर कर सकूँ, एंड आप सबका दिल जीत सकूँ. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार आप सबने मेरा दिल जीत लिया अपनी दुआओं से, अपने प्यार से. मुझे दुनिया भर में जहाँ जहाँ से फीडबैक आया है, हमज़ा को जिस तरह आपने अप्रिशिएट किया, इनक्रेज किया, मोटिवेट किया है, जितना प्यार और दुआएँ दी हैं आपने, I'll always remember it. It will keep in my heart forever and ever. मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तब भी मुझे याद रहेगा कि आप सबने मुझे इतना प्यार और इतनी दुआएं दी. और बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे बेटे को याद रखें, मेरी फैमिली को याद रखें. अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और हम सबके लिए आसानियाँ हों, और दूसरों के लिए आसानियाँ करें तो आपके लिए खुद आसानियाँ हो जाएंगी. ठीक है मेरी जान. तो मैं बस अब वाकई दिल नहीं चाह रहा जाने का. और कल क्योंकि मुनाफिक की लास्ट एपिसोड है, तो उसके बाद तो हम और ज़्यादा उदास होने वाले हैं. लेकिन कोई बात नहीं, दूरियां दोस्ती बढ़ाती हैं, दिल को दिल के करीब लाती हैं. सो कल 7 बजे जब लास्ट एपिसोड होगी, मैं कोशिश करूँगा, जियो वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आफ्टर द वाइंड अप हम एक और लाइव सेशन कर सकें.
because I really want to have your feedback on the last episode and the climax, which I said is to me the best scene of the project. So I'll say Jio walon se main baat karunga ki hum ek live session karenge after the completion, after the end, after the success of Munafiq. Tomorrow, the last episode at 7 p.m. Jio Entertainment pe aap dekhenge Munafiq. Aur main hoon aap sabka aashik. Thank you. If I'm your ideal, har achhe insaan ko idealize kare. Aur bas kuch nahi reh jana, sirf aapke akhlaq reh jayenge. Mere Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ka farman hai ki tum mein sabse behtar wo hai jiske akhlaq behtar hai. To ji akhlaq hi reh jate hain end par. To apne akhlaq behtar karein, zindagi behtar ho jayegi, sab kuch bahut acha ho jayega. To mere yaro, mere pyaro, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का लबों पे सवाद रखना. अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, ठीक है? टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें. एंड वंस अगेन रिमेंबर, वक्त अच्छा हो या बुरा हो गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग हमजा and making Munafiq a mega hit. I love you all. Allah Hafiz.